सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा आईफोन 6s के बारे में, जो कि ये हीट करता है, किस तरीके से हीट करता है, कहाँ कहाँ पे हीट करता है, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी इस वीडियो में। अगर आप आईफोन 6s लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी देखिएगा आप लोग। पहली बात मैं बता दूँ, इसमें जो है 1715 mAh की बैटरी होती है गाइस, जो कि ठीक ठाक होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। दूसरी बात, आप इसमें किस तरीके का कवर यूज़ करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग देख रहे हो, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट का कवर है, मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करता हूँ अपने किसी भी फ़ोन में, ताकि कुछ जो है एयर पास होती रहे फ़ोन के लिए। फ़ोन जब आप इस्तेमाल करते हो सो जो हीट निकलता है गाइज, आईफोन 6s में जो हीट है गाइज, ये जहाँ पे ये लोगो देख रहे हैं आप लोग एप्पल का, ये यहाँ पर ज़्यादा हीट होता है। जब आप कोई भी ऐप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हो, जैसे कैमरा, गेम, कुछ भी आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट होता है। तो अभी मैं आप लोगों को गेम खेल के भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितनी जल्दी आप खेलते हो, कितनी देर तक गेम खेलते हो, तो ये फ़ोन कितना गर्म होने लगता है। ये आईफोन 6s में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है गाइज, हीटिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है सब लोग परेशान रहते हैं। अपडेट होने के बावजूद ये प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व नहीं हुई है। आप इसमें ब्राइटनेस कितना रखते हो ये भी मैटर करता है, और कितने ब्राइटनेस में आप गेम खेल रहे हो वो भी मैटर करता है। सो जैसे ब्राइटनेस मेरा 40% के आसपास होगा गाइज, और मैंने इमांगी का ये गेम ओपन किया है। अब मैं बिना कवर के इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कवर के साथ इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा हीट होता ही है वैसे, क्योंकि इसको एयर नहीं मिल पाती है। और अब मैं इसको बिना कवर के इस्तेमाल करूँगा गाइस, सिर्फ एक मिनट तक गेम खेलूँगा, और नॉर्मल गेम की बात कर रहा हूँ मैं, पबजी वगैरह और जो स्निपर 3D होते हैं वो सब बड़े गेम खेलोगे तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, क्योंकि उसका डाटा लोड होने में इसको टाइम लगता है, जिस वजह से ये फ़ोन ज़्यादा हीट होता है। हम बात करें कैजुअल फॉर्मल गेम की, जैसे कि नॉर्मल गेम होते हैं कैंडी क्रश वगैरह और ये इमांगी टेंपल रन 2, सो इसको मैं एक मिनट तक खेल रहा हूँ गाइस, और धीरे धीरे इसकी जो बैटरी है, बैटरी भी कम होती है, एक मिनट, दो मिनट, आप पाँच मिनट खेलोगे तो 5 मिनट के अंदर मान के चलिए इसकी जो है 5-7% बैटरी आराम से कम हो जाएगी, ठीक है गेम खेलते हुए। सो और इसी 5-10 मिनट के अंदर इसका जो बैक पैनल है वो भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि 2015 का, वैसे भी एक बात और है गाइस, ये 5 साल पुराना फ़ोन है, 2015 में लॉन्च हुआ था, और आज की जो प्राइस है उस हिसाब के, उस बलबूते पर मैं बात आप लोगों से करता हूँ कि 30,000 रुपये की प्राइस में आप इसको नया कभी मत खरीदना, ठीक है गाइस, क्योंकि ये हीटिंग इश्यूज़ में है। अभी गेम मैंने एंड कर दिया यहाँ पर, और अभी आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इसका जो बैक पैनल है गाइस, और ये भी नहीं कि मैं ज़्यादा जो है फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें यूज़ करता हूँ, जो चीज़ यूज़ करता हूँ उसी को बैकग्राउंड में चलने देता हूँ। अब यहाँ पे जो गाइज है लोगों के पास, यहाँ पे थोड़ा हीट अब थोड़ा गर्म हुआ है, हालांकि मौसम जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा ठीक है, उतना गर्म है नहीं, लेकिन जब आप कैमरा इस्तेमाल करते हो ना गाइज, कोई भी रियर कैमरा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल्फ़ी ले रहे हो, सो वहाँ पर आप मान के चलिए 10-15 सेल्फ़ी लेने के बाद ठीक ठाक ये गर्म हो जाता है। सो ये भी एक बड़ा इशू है, ऐसा नहीं होना चाहिए इतने महंगे फ़ोन में, क्योंकि जो है फ़ोन गर्म हो जाता है तो बड़ा यार डर लगने लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। सो ये फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है। अब मैं बैकग्राउंड में ज़्यादा फंक्शन यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से सिर्फ मैंने गेम खेला था। बैटरी हेल्थ आप लोगों को दिखाऊं तो इस फ़ोन की बैटरी हेल्थ 88% है। अब 88% बैटरी हेल्थ के साथ भी ये गर्म होता ही है। सो आप लोग इसकी हेल्थ, बैटरी हेल्थ देख लीजिएगा, इस 88% है, इसके बावजूद आप इस, ये भी मैटर नहीं करता, आप इसमें चाहे 100% ही बैटरी हेल्थ इसकी क्यों ना हो, लेकिन आईफोन 6s ये गर्म होता है गाइस, और फ़ोन्स की तरह नहीं, लेकिन ये फ़ोन आराम से गर्म हो जाता है, कभी कभी काफ़ी डर लगने लगता है जब मैं क्रोम ब्राउज़र वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ गाइस, और तब ये कुछ ज़्यादा हीट करता है। सो ये इसमें एक प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो, कि ये बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। सो यहाँ पर आप, यहीं पर ये जो आप बैक पैनल देख रहे हो लोगों के पास, यहीं आस पास ही पूरा गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा गर्म हो जाता है। सो ये काफ़ी डर लगता है कभी कभी, और कैमरे के पास भी गर्म हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप ये चीज़ माइंड में हमेशा याद रखना कि फ़ोन ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है, और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। पहली बार अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।